सिक्किम का खूबसूरत शहर गैंगटॉक जो कि अपनी खास सुंदरता और अपनी कई खासियतों के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से आने वाले समय में इसका फ्यूचर काफी खराब दिखाई दे रहा है। आप सोच रहे हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आइए इसकी सच्चाई हम आपको खुद दिखाते हैं। मानसून का सीजन आते ही गैंगटॉक वासियों की समस्या शुरू हो जाती है, और ये एक बार की नहीं बल्कि हर साल ऐसा ही होते जा रहा है। बारिश के कारण राजमार्ग 10 नदी में परिवर्तित हो जाती है। बारिश के वक्त ट्रेन का पानी बाहर आ जाता है और सड़क नदी में तब्दील हो जाती है। घर घर पर पानी घुस जाती है। उचित ढंग से प्लानिंग न होने की वजह से यह समस्या उत्पन्न होती है, जिससे यातायात में भी काफी प्रभाव पड़ता है। कहीं ना कहीं इन सब के पीछे आम जनता की लापरवाही का नतीजा है। जब वे प्लास्टिक मटेरियल्स ड्रेन में डालते हैं तो बारिश के वक्त ड्रेन ब्लॉकेज हो जाती है, जिससे पानी को बहाव नहीं मिल पाता और वह रास्ते में आ जाती है। फ्यूचर में गैंगटॉक की स्थिति नाजुक दिख रही है। इसके लिए जनता और सरकार दोनों को सतर्क रहना बेहद जरूरी है। दोनों के समन्वय से ही कुछ हो सकता है। आज गैंगटॉक का अधिकांश हिस्सा नालियों से जाम है। रास्ता नदियों में तब्दील हो चुके राजमार्गों से जूझ रहा है, और प्रकृति हमें बार बार मानवीय लापरवाही और अव्यवस्था के परिणामों की याद दिला रही है। यह स्थिति बेहद ही अव्यवस्थित है। यह काफी आश्चर्यजनक है कि लोग अपने स्वार्थ के लिए जहां चाहे वहां और अधिक कंक्रीट संरचनाएं बना लेते हैं, या मौजूदा इमारतों में अतिरिक्त मंजिलें जोड़ लेते हैं। गैंगटॉक एक लचीला माउंटेन रेंज पर पड़ता है। ऐसे में गैंगटॉक में बन रहे बिल्डिंग के हैवी वेट के कारण धंसने का बहुत बड़ा चांसेस है। वास्तव में वे जीवन को अधिक आरामदायक बनाने के बजाय भविष्य की पीढ़ियों के लिए और अधिक समस्याएं पैदा कर रहे हैं। किसी को परवाह नहीं है कि विनाश की ये सभी स्मारक भविष्य में और अधिक परेशानी बढ़ाएगी। लोगों ने इन नालियों, झोड़ों और पुलियों को अपने कचरे और गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे को डंप करने के लिए सुविधाजनक स्थानों के रूप में चुना है। तो इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? कल्पना करें कि अगर नालियाँ, झोड़े और पुलिया साफ होती और बारिश का पानी समस्या को और नहीं बढ़ाता तो क्या होता? यह कितनी बढ़िया नजारा होती। हालांकि अब स्थिति नियंत्रण से बाहर है, और जबकि सरकार को अक्सर सबसे पहले दोषी ठहराया जाता है, यह स्पष्ट है कि सार्वजनिक लापरवाही भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।